जिला कलेक्ट्री के बाहर शनिवार को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर किसानों और मजदूरों और भाकपा के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने जंगी प्रदर्शन किया। इस दौरान रैली निकालकर अपनी मांगों का समर्थन किया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। भाकपा के जिला सचिव सुभाष श्रमाली ने बताया कि कमर तोड़ महंगाई से आमजन परेशान है, किसान और आमजन को नियमित बिजली नहीं मिल रही है, जेसीबी मजदूरी को लगातार निगलती जा रही है, ऐसे में गरीबों और अमीरों के बीच खाई बढ़ गई है, मजदूर मजदूरी के लिए दर दर भटक रहे हैं जबकि युवा बेरोजगार धक्के खाने को मजबूर हैं। श्रमाली ने आरोप लगाया है कि पूंजीपतियों की पक्षधर मोदी सरकार हिटलर शाही के रास्ते पर अग्रसर है। इसको लेकर सुबह 10 बजे टाउन हॉल से रैली निकाली गई। रैली विभिन्न मार्गों से होते हुए जिला कलेक्ट्री कार्यालय पहुंची, जहां पर अपनी मांगों को लेकर सभी ने कड़ा आक्रोश जताया और विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान डॉक्टर प्रीतम जोशी, हिम्मत चांगवाल, गोबी लाल डामोर, पंडित जीव राज शर्मा, पदम सिंह सायरा, लहरू महाराज, नाथू महाराज, गंगा सिंह गोगुंदा आदि मौजूद रहे। उनसे निवेदन करूंगा जो आकर के सभी सरकार को प्रदर्शन करें। मैं सुभाष श्रीमाली, जनरल सेक्रेटरी जिला उदयपुर सीपीआई का हूं, और आज जो है भिन्न भिन्न मांगों को लेकर के मेवाड़ और किसानों की जो मांगे हैं उसके संदर्भ में हम आज रैली आयोजित की जा रही है। इसमें महंगाई के विरोध में है, पेट्रोल डीजल के भाव बहुत बढ़ गए हैं, और आज वन विभाग के नियमन की भूमि के जो पट्टे जारी करने का जो नियम है उसके तहत कई आदिवासी लोग जो है उनको बेदखल कर रहे हैं। इसी संदर्भ में है हम यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं, और ज्ञापन वगैरह भी कलेक्ट्रेट को वगैरह देंगे कि महंगाई चरम सीमा पे है, राशन की समस्या है, बिजली की समस्या है, गाँव में पर्याप्त मात्रा में बिजली वगैरह नहीं आ रही है, लोग बेरोजगार है, रोजगार लिए इधर उधर भटक रहे हैं, कारखाने वगैरह सब बंद हैं। ऐसी स्थिति में हम संपूर्ण है किसानों को समस्याओं को लेकर के, मजदूरों की समस्याओं को लेकर के, आदिवासियों की समस्याओं को लेकर के हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और ज्ञापन वगैरह देंगे। आज महंगाई चरम सीमा पे है, सरकारें आज पूंजीप्रस्त सरकारें हैं जो गरीबों की नहीं सुन रही हैं, और आज गरीब अमीर की आई जो है खाई जो बहुत बढ़ गई है। ऐसी स्थिति में हम सरकार के दोनों ही सरकारों के विरोध में हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और आने वाले वक्त में और हम आंदोलन वगैरह और तेज़ करेंगे। इसी के साथ हम